तक आपने देखा शहंशाह बाबर रामा को विजयनगर लौट जाने की और अपने परिवार को बचाने की धमकी देते हैं। तथाचार्य कब्बन मियां को बातों में फंसाकर उसके पान गायब कर देते हैं। एक बार फिर रामा अपनी नई युक्ति के साथ दरबार में आकर सबको चौंका देता है और कब्बन को प्रतियोगिता में हरा कर खुद को विजेता घोषित करता है। अब आगे पंडित रामकृष्णा, बात तो करते हो आदर्श रसूलों की और जीतने के लिए पीठ पीछे चाल शातिरों सी। अच्छा, जब तुम्हें पता चला कि कब्बन मियां की कमजोरी पान है तो तुमने अपने साथियों के साथ मिलके उनके पान ही गायब कर दिए और अपनी जीत पक्की कर ली। वाह पंडित रामकृष्णा, बोलो झूठ है, झूठ झूठ बोलो। जी जहां पना, मैंने ही अपने साथियों के साथ मिलकर कब्बन मियां की पान की डिब्बी में से पान गायब कराए। पंडित रामकृष्णा, तुमने हमारे ही दरबार में हमारी ही नाक के नीचे जीतने के लिए चाल के छुपे हुए हथियार से वार किया। इतनी हिम्मत तुम में कहां से आ गई? सिपाहियों, बंदी बना लो इन्हें, इन्होंने हमारे दरबार की तौहीन की है। अम्मा, अम्मा। जहां पना, यदि मैंने प्रतियोगिता की खेल भावना का दुरुपयोग किया है तो एक गलती तो आपने भी की है। मतलब क्या है तुम्हारा? अपने दरबारियों को ये आदेश देना कि कोई भी मेरे तर्क या चुटकुले पर ना हंसे, ये छल नहीं तो और क्या है? मैंने तो मात्र पान गायब किए, आपने तो भरे दरबार से हंसी गायब कर दी। तो यदि दोनों पक्षों ने एक एक गलतियां की हैं, तो एक बार ईमानदारी से फिर से प्रतियोगिता होनी चाहिए। आप अपनी प्रजा के लिए आदर्श हैं, इस नाते मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सही निर्णय ही लेंगे। ठीक है, तुम्हें मौका चाहिए ना, मौका चाहिए ना, चलो दिया मौका। बहुत अच्छे पंडित रामकृष्णा, बहुत अच्छे। हाँ, लेकिन इस बार तुम्हारा मुकाबला कब्बन मियां से नहीं बल्कि एक चालाक होशियार दूसरे खिलाड़ी से होगा। मुकाबला दिमागी होशियारी का होगा, फिर देखते हैं कि तुम उसे हरा पाते हो या नहीं। जीत गए तो आजादी और हार गए तो बर्बादी। बोलो, मिलना चाहोगे अपने नए मुखालिफ से? बुलाया जाए। चकरा गए? अगर आपको नहीं पता है तो हम बता दें, मोहतरमा मोहिनी देवी की बहन माया देवी है। जितना कि हमें पता है, आप मोहिनी देवी को इसी तरह के एक मुकाबले में हरा चुके हैं ना। मोहिनी देवी, आपको क्षमा तब मिलेगी जब आप इन विद्वान पंडितों की दास्ता स्वीकार करके उतने ही दिवस इनकी सेवा करेंगी जितने दिवस इन सबसे सेवा करवाई है। हमें स्वीकार है। गुरुजी, हाँ, हमने भी काफी कुछ सुना है इनके बारे में। ये मोहिनी देवी की बहन माया देवी है। हाँ, और उनसे भी बुद्धिमता में चार कदम आगे है।
इन्हें भी आज तक कोई हरा नहीं पाया। अच्छा कैसे हैं आप? पूरे दरबार में एक आप ही हैं जिन्होंने हमारा हाल चाल पूछा। धन्यवाद। ये क्या कर रहे हैं गुरुजी? आंखें खुली होने पर भी ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा। ये आपसे ही बाबर शहंशाह से बात कर अपने में लगे पड़े। हमने शहंशाह का ही हालचाल पूछा था, परंतु ये जान के बड़ा अलग ही लगा कि आपसे परिचय होने से पहले आपके हालचाल के बारे में ज्ञात हो गया हमें। वो हम विजयनगर के राजगुरु तथाचार्य हैं। शहंशाह को हमारा सलाम। पूरी मुगल सल्तनत में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने तुम्हें दिमागी कुश्ती में हराया हो माया देवी, और आज तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान है इस पंडित रामा कृष्णा के साथ। तो वो आप हैं, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध पंडित रामा कृष्णा। बहुत सुना था आपके बारे में, आज देख भी लिया। वो आप ही है ना जिन्होंने हमारी बहन मोहिनी को दंड स्वरूप गुरुओं की सेवा में लगा दिया? आपको हराने में अलग ही मजा आएगा पंडित रामाकृष्णा। जी अवश्य। प्रणाम माया देवी जी। मैंने भी आपके विषय में बहुत सुना है, और अब जब आप अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा कर रही हैं, तो अवश्य ही होशियार भी होंगी। संभवतः इस प्रतियोगिता में आनंद आएगा। लगता है आप दोनों मुकाबले के लिए तैयार हैं। किंतु जहां पना मैं दोबारा मुकाबला क्यों करूं? मैं एक बार कब्बन मियां को हरा चुका हूं, तो उस नाते अब जाने के लिए आजाद हूं। वैसे भी इस प्रतियोगिता से मुझे क्या हासिल होने वाला है? हार का डर तो हर बड़े बड़े व्यक्ति को डरा देता है, ये सुना था हमने, आज देख भी लिया। देखो पंडित रामाकृष्णा, तुमने भले ही कब्बन मियां को हरा दिया हो, लेकिन तुम हमें हंसाने में नाकाम रहे। इसका मतलब है कि असलियत में तुम ही हारे हो। जहां पना, जो पहले मेरे साथ हुआ वो फिर से भी तो हो सकता है। मैं एक बार फिर माया देवी को हरा दूंगा और आप फिर से नहीं हंसेंगे, तो मुझे तो कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है पंडित रामा, अगर तुम इस बार विजय हासिल करते हो तो हम विजयनगर पर हमला नहीं करेंगे, हम वादा करते हैं। उचित है महाराज, मैं इस प्रतिस्पर्धा के लिए अपनी सहमति देता हूं। तो जहां पना और मौजूद हजरात, अब पंडित रामाकृष्णा और मोहतरमा माया के बीच मुकाबला होगा। दोनों एक दूसरे पर एक के बाद एक सवाल दागेंगे, और यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक दागा हुआ सवाल रह ना जाए, मतलब पूछे गए सवाल को जवाब नसीब नहीं होगा। तो पूछने वाला पता का हकदार, और जो जवाब नहीं दे पाएगा उसे मालूम होना चाहिए कि हार ही उसका मुस्तकबिल होगा। और अगर पंडित रामाकृष्णा हारे तो सिर्फ उनका ही नहीं पूरे विजयनगर का मुस्तकबिल बदल जाएगा। वजीर मलिक जी, हुजूर, इस मुकाबले के लिए हमें एक मुनसिफ भी मुकर्रर करना होगा। आपकी ओर संकेत कर रहे हैं। आपकी ही ओर संकेत कर रहे हैं। हाँ तुम, तुम्हें उछल उछल के हर बाट में टांग अड़ाने का बहुत शौक है ना, तो तुमसे अच्छा हाकिम तो कोई हो ही नहीं सकता। तुम किसी की तरफदारी हरगिज नहीं कर सकते, जो जीत के काबिल हो वही जीतेगा, और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। शहंशाह, हम हाँ तुम, कोई परेशानी है? अब माया जी भी यही चाहती है तो उचित है। वैसे हमें न्यायकर्ता नियुक्त करके शहंशाह ने अपने जीवन का अब तक का सबसे सही कार्य किया है।
क्षमा वो आपके दरबार का ये संगमरमरी फर्श पर हमारी वो जीवा फिसल गई। हमारा कहने का अर्थ है कि हमें न्यायकर्ता नियुक्त करके शहंशाह ने बहुत अच्छा कार्य किया। और याद रहे, अगर तुमने कोई चालाकी की तो सजा। नहीं नहीं शहंशाह, हम तो गलती से भी गलती नहीं कर सकते। अरे अपराधी की एक ही सजा है, सूली पर उल्टा लटका दूंगा, सूली पर उल्टा लटका दूंगा। जी तो माया जी, माया जी आप महिला हैं, पहला प्रश्न आप पूछिए। तो हमारा पहला सवाल है, एक खाली टोकरी में आप कितने अंडे रख सकते हैं? इस प्रश्न का कोई स्तर नहीं है, हम इसे स्थगित करते हैं। तो गुरुवर आप इसे स्थगित क्यों करना चाहते हैं? यह अन्याय है पंडित रामकृष्णा, यह नहीं हो सकता। शहंशाह बाबर जी, ये माया जी जानबूझकर पंडित रामकृष्णा से अंडों का प्रश्न पूछ रही, एक पंडित और अंडे, एक पंडित को अपवित्र कर रही, ये गलत। एक पंडित को अंडे का सेवन करना मना है, छूना मना है, यहाँ तक कि सोचना भी मना है। ये माया देवी जी जानबूझकर पंडित रामकृष्णा का धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास कर रही। तुम्हारे कहने का मतलब है शहंशाह के दरबार में नाइंसाफी हो रही है, तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। सिखाओ सबक। नहीं, 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 इनके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। वजीर मियां रुकिए रुकिए, बस ये माया मोहतरमा, अब सवाल में कुछ कुछ तब्दीली कर दीजिए ना, या अंडे की टोकरी की जगह कोई और टोकरी रख दीजिए। जी शहंशाह। गुरुवर, बस आप ही के लिए हम इस प्रश्न में परिवर्तन कर देते हैं। चलिए तो बताइए रामकृष्ण, एक खाली टोकरी में आप कितने सेब रख सकते हैं? अब ठीक है गुरुवर? एक बार माया जी जो बोल दें वो ठीक के सिवा कुछ और हो ही नहीं सकता है। पंडित रामकृष्णा, सवाल पूछा जा चुका है। जी जहां पना, और मेरा उत्तर है मात्र एक, क्योंकि पहला सेब रखने के पश्चात वो टोकरी खाली नहीं रहेगी। पंडित रामकृष्ण का जवाब सही है। पंडित रामकृष्ण, अब अगला प्रश्न आप पूछिए। जी गुरुवर। माया देवी जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मान लीजिए आज मुझसे हारने के पश्चात जहां पना क्रोधित होकर आपको कारावास में डाल देते। पंडित रामकृष्ण, ये सवाल नहीं बेहूदगी है। वजीर मलिक जी, यहाँ निर्णय करता हम हैं कि आप हैं? आप हैं। निर्णय कौन करेगा? आप ही। तो आप शांत रहिए। वजीर मलिक, पंडित रामकृष्ण ने कहा है मान लो तो मान लो। धन्यवाद जहां पना जी। वजीर मलिक जी, मैंने कहा मान लीजिए मान लीजिए, आप इसे सच्चाई क्यों मान रहे हैं, है ना? तो माया देवी जी, आपके पास बच निकलने का एक ही रास्ता है, और वो ये कि आप वहां से भाग जाएं, क्योंकि अगली सुबह आपका गला काट दिया जाएगा। नामकूल, मुगल सल्तनत के कारावास में बिना इजाजत के हवा नहीं आ सकती है, तो फिर कोई भाग कैसे सकता है? वजीर मलिक जी, मान लीजिए मान लीजिए। हाँ, तो माया देवी जी, आपके पास बच निकलने का एक ही रास्ता है, और वो है ऊपर वाली खिड़की, 20 गज की ऊंचाई पर, वो भी खुली हुई। आपके अनेकों प्रयास के बावजूद भी आप उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अब आप क्या करेंगी? शहंशाह, हमारा उत्तर है गड्ढा खोदकर। गड्ढा खोदकर? माया देवी, आप उत्तर देने में चूक गई हैं।
आपको उत्तर देने के लिए प्रश्न की गहराई में जाना था, परंतु आप गड्ढा खोदकर स्वयं गहराई में चली गई। शहंशाह, हम हमारा उत्तर विस्तार में समझाते हैं। समझाओ। 20 गज गड्ढा खोदकर जो मिट्टी निकलेगी उसे हम एक स्थान पर इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद उस पर चढ़कर 20 गज ऊंचाई पर जो खिड़की है वहां तक पहुंचेंगे और उसके बाद खिड़की से बाहर। माया देवी जी का उत्तर सही है। वजीर मलिक, आज से सारे कारावास की खिड़कियों पर सलाखें लगाई जाए, सलाखें, और फर्श भी पक्के बनवाए जाए, बिल्कुल पक्के। जी हुजूर। माया जी, अब आपका दायित्व है अगला प्रश्न पूछना। जी पंडित रामकृष्ण, चलिए आप भी मान लीजिए, आपके राजा कृष्णदेव राय जी ने आपको एक विशेष कार्य हेतु वन में भेजा है और आपको लाना है एक शेर, एक बकरी और एक गठरी घास की, और वापस आते समय रास्ते में पड़ने वाली नदी को भी आपको पार करना है। एक नाव है और नाव में आपके अतिरिक्त आप एक और का भी वजन ले जा सकते हैं, अर्थात यदि आप और आपके साथ कोई भी हो सकता है, जैसे कि शेर, बकरी या घास, परंतु आप इन तीनों में से दो को एक साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि नाव डूब जाएगी। तब बताइए कि आप शेर, बकरी या घास, इन तीनों को लेकर एक साथ नदी पार कैसे करेंगे। वैसे हम बता दे कि हम सबको पता है कि शेर का भोजन है बकरी और बकरी का भोजन है घास। बताइए पंडित रामकृष्ण। पंडित रामकृष्ण, आपका चेहरा बता रहा है कि आप इस गुत्थी को सुलझाने में उलझ गए हैं। वैसे आप चाहे तो किसी की भी सहायता ले सकते हैं। माया जी, अभी पंडित रामकृष्ण का समय समाप्त नहीं हुआ है, तो एक अच्छे प्रतियोगी की भांति आप उन्हें भटकाने का प्रयास ना कीजिए। गुरुवर, आपको नहीं लगता कि आप हमसे कुछ अधिक ही सख्त पेश आ रहे हैं? ना, हम तो बस अपक्षपूर्ण तरीके से शहंशाह बाबर जी का दिया हुआ कर्तव्य निभा रहे हैं। पंडित रामकृष्ण, हम आपके प्रतिद्वंदी प्रतियोगी होने के बावजूद आपसे पुनः आग्रह करते हैं, आप जिससे चाहे सहायता ले सकते हैं। माया देवी जी, आप ही मेरी सहायता करें, शांत रहकर। इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ पंडित रामकृष्ण ही देंगे। आदरणीय जहांपनाह और नियुक्त निर्णायक कर्ता गुरुवर, मैं अपने उत्तर के साथ तैयार हूँ और एक अच्छा प्रतिद्वंदी होने के नाते मैं माया देवी जी को इतना रोचक और चतुराई भरा प्रश्न पूछने के लिए बधाई देता हूँ। और क्योंकि मेरा उत्तर सबको सरलता से समझ में आ जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप धनी को शेर, मनी को बकरी और गुरुवर को घास समझ लीजिए। घास क्यों, शेर क्यों नहीं? गुरु जी, जिसने राजगुरु होने के उपरांत भी घास ही चरी हो तो पंडित रामकृष्ण उसे घास ही बनाएंगे ना। शेर, इस लकड़ी को आप वो नदी समझ लीजिए, और आपने तो कहा ही है कि नाव एक ही है। तो सर्वप्रथम मैं अपने साथ मनी अर्थात बकरी को लेकर इस पार आऊंगा, क्योंकि धनी गुरुवर को नहीं खाता है, अर्थात शेर घास को छूता तक नहीं है। अब मैं मनी को इस पार छोड़कर पुनः इस पार आऊंगा और अपने साथ गुरुवर को लेकर इस पार जाऊंगा, किंतु मैं इन दोनों को इस पार अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मनी गुरुवर को कच्चा चबा जाएगा, अर्थात बकरी घास को खा जाएगी। इसलिए मैं एक बार फिर मनी को अपने साथ इस पार लेकर आऊंगा और इस बार अपने साथ धनी अर्थात शेर को लेकर इस पार आऊंगा। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, शेर घास को नहीं खाता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ सुरक्षित रहेंगे। अब मैं पुनः अकेला इस पार जाऊंगा
और अपने साथ बकरी अर्थात मनी महोदय को इस पार लेकर आ जाऊंगा और इस तरह मैं धनी मनी और गुरुवर को अर्थात शेर बकरी और घास को उस पार ले जाने में सफल हो जाऊंगा। वाह पंडित रामकृष्ण जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है और समझाने का तरीका अद्भुत। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.